प्रभु रामचंद्र भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, ज्ञानेश्वर महाराज की, सद्गुरु देव की, वृंदावन विहारी लाल की, गंगा माता की, गौ माता की, भारत माता की, वेदव्यास भगवान की, शुकदेव भगवान की, महर्षि वाल्मीकि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य महाराज की, सब संतन की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान प्रयागराज धाम की वर्णानाम अर्थसंघानाम प्रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं
பூர்ணபிரம்ம பரானந்தம் ஈஷமாளந்தி வல்லபம். யோந்த பிரவிஷ்ய மம பாச்சமி மாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத்யகில சக்திதரஸ்வதாம்னா அன்யாம்ஷ்ச ஹஸ்தசரணஷ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்பம். ஜ்ஞானேன யோகேன ச கர்மணா ச பக்த்யாச்ச சர்வஸ்வ சமர்ப்பணேன ஆராதிதாப்யாம் ஸ்ருதி மார்க்கதக்ஷைர் நமோ நம ஸ்ரீ குரு பாதுகாப்யாம். சுராசுரா சேவித பாத பங்கஜா கரே விராஜத் கமனீய புஸ்தகா விதேஷ்ட பத்னி கமலாசன பிரியா சரஸ்வதி நிருத்தது வாசி மே சதா. அதுலித வலதாமம் ஸ்வர்ண ஷைலாப தேஹம் தனுஜவன க்ருஷானும் ஜ்ஞானினாம் அக்ரகண்யம் சகலகுண நிதானம் வானராணாம் அதீஷம் ரகுபதி பிரிய பக்தம் வாதஜா தன்னமாமி. நீலாம்புஜஷ்யாமல கோமலாங்கம் சீதா சமாரோபித வாம பாகம் பாணௌ மகாசாயக சாரு சாபம் நமாமி ராமம் ரகுவம்சநாதம். உத்பவ ஸ்திதி சம்ஹார காரிணீம் க்லேஷஹாரிணீம் சர்வஸ்ரேயஸ்கரீம் சீதாம் நதோஹம் ராமவல்லபாம். பூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆர்வீய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம். மாதுரிய ரச கல்லோலாம் சிவசக்தி ஐக ரூபிணீம் அம்ருதானுபவார்த்தாய வந்தே ஜானேஷ நந்தினீம். யஸ்ய வேதமயி வாணி யஸ்ய தேவமயி தனு யஸ்ய பிரம்மமயி திருஷ்டி ச குரு பாது மாம் சதா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்ருச்சத ததாராமோ தக்ஷிணாஷாஶ்ரயம் முனிம் பிராஞ்சலிர் வினயோபேத இதமாஹ வசோர்த்தவத் அதுலம் வலமேதத்வை வாலினோ ராவணஸ்ய ச நத்வேதாப்யாம் ஹனுமதா மமந்திதிமதிர்மம ஷௌரியம் தாக்ஷம் பலம் தைரியம் பிராஜ்ஞதா நயசாதனம் விக்ரமஶ்ச பிரபாமஶ்ச ஹனுமதி க்ருதாலயா. அனந்தகந்த பரமாத்மா கி ஹம் சப் லோகோ பர் அத்யந்த மஹதி கிருபா ஹை கி ஆஜ் இஸ் பிரயாக்ராஜ் கி பவன் தர்த்தி பர் பேட் கர் கே ஹம் லோக் ஸ்ரீ ஹனுமான் ஜி மஹாராஜ் கி திவ்ய லீலாவோ கா உன்கே சரித்ரோ கா உன்கே குணோ கா இஸ் ஹனுமான் கதா கே மாத்யம் சே சிந்தன் கர்னே ஜா ரஹே ஹை. मेरे ऊपर अकारण अत्यंत प्रेम वृष्टि करने वाले हमारे पूज्य जगद्गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ कि उन्होंने इस कथा का मेरा प्रस्ताव मान्य किया. वास्तविकता यह है, आपने कितनी भी कथाएं सुनी होगी, मैं अनेक विषयों का अध्ययन करता रहा, कथाएं भी करता रहा, लेकिन यदि वास्तव में समस्त कथाओं का सार किसी कथा में प्राप्त होता हो तो वह हनुमत कथा ही है, यह मेरा स्वयं का निर्णय हो गया. इसलिए हो गया कि सारी कथाओं को सुनकर के आखिर हम लोगों को क्या करना होता है,
यह जानना आवश्यक है। जैसा कि आर्य चाणक्य ने कहा, सर्वम शास्त्रम इंद्रिय जया, सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? इंद्रिय जय। शास्त्रों को घुमा फिरा करके कहीं से भी पढ़ लो, चाणक्य का यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जब सारी कथाओं का चिंतन मैं करता हूं, तो एक बात ध्यान में आती है कि समस्त कथाओं का सार यह होता है कि मनुष्य अपने भीतर सद्गुणों का विकास करता जाए। मनुष्य के जीवन का उन्नयन अपने भीतर सद्गुणों का विकास करने से ही होता है। और कितने सारे सद्गुणों का विकास हमें करना चाहिए, कम से कम उसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसका सर्वोच्च कीर्तिमान हनुमान कथा है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर एक शब्द में हनुमान जी का वर्णन कर दिया, सकल गुण निधान वानराणाम अधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातं नमामि। सकल गुण निधानम, फॉर द असेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द पीक पॉइंट वी फाइंड ओनली एट हनुमान जी महाराज। मुझे कल कहा गया कि थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में बोलूं, स्वामी जी महाराज ने कहा, क्योंकि कुछ विदेशी भक्त भी यहां पर आए हैं, आई हैव बीन कॉन्टेम्पलेटिंग अपॉन सो मेनी कथाज एंड डिलीवरिंग देम ऑल्सो, बट द हाइएस्ट कथा आई फील फॉर माई सेल्फ इज हनुमान कथा ओनली, बिकॉज इट्स द कथा ऑफ द दैट पर्सनैलिटी हु इज ऑन द पीक पॉइंट ऑफ ऑल सदगुणाज ऑल गुड क्वालिटीज। ये मैं कहूं इसकी आवश्यकता नहीं है, कथा का उपक्रम जहां से होगा वहां से आप जान लेंगे। हनुमान कथा की जब बात चलती है तो लोगों को ऐसे लगता है कि हनुमान कथा का अर्थ है सुंदरकांड, फिर तो वो राम कथा का अंश हो गया। मुझे वो नहीं बतलाना है, हनुमान कथा का अपना स्वतंत्र स्थान है। हर कथा का वक्ता, हर कथा का श्रोता निर्धारित है। हम जब श्रीमद् भागवत की ओर चलते हैं तो राजा परीक्षित मुख्य श्रोता है, भगवान सुखदेव जी महाराज मुख्य वक्ता है। बाद में क्रम से सूत शौनकों का संवाद भी है। जब हम महाभारत की कथा की ओर चलते हैं तो महात्मा वैशंपायन महाराज वक्ता है और राजा जनमेजय मुख्य श्रोता है। जैसा कि मानस में हम देखते हैं, भगवान शिव वक्ता है, भगवती पार्वती श्रोता है, काकभुषुंडी जी महाराज वक्ता है, गरुजी श्रोता है, यहां की धरा पर याज्ञवल्क्य के महाराज वक्ता है और भरद्वाज श्रोता है। हनुमान कथा का वक्ता कौन है और हनुमान कथा के श्रोता कौन है, यह पहले पता चलना चाहिए। स्वतंत्र हनुमान कथा किसने किससे सुनी, इसको पहले जाने। और ये जानना हो ना तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की ओर चलना होगा। राम कथा का श्रवण आपने यथाक्रम कहीं से न कहीं से किया ही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या के राज सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ और इस राज्याभिषेक के पश्चात श्री भगवान
रोज रोज। पहले चार दिन तो उनके उत्सव में गए और उसके पश्चात रोज राजकीय कारोबार सभा में पूरा करने के उपरांत अपराह्न की बेला में प्रभु लोगों के साथ बैठते थे, मिलते थे। अयोध्या के प्रमुख लोग, अयोध्या के प्रमुख नागरिक, प्रभु के मंत्री, स्थान स्थान से आए हुए अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि मुनि महात्मा और कुछ वानर जो वहां पर अभी थे, भगवान इन सब के साथ अनौपचारिक चर्चा करते हैं। और इन अनौपचारिक चर्चाओं में प्रभु ने अनेक विषय अनेकों से पूछे और सुने। भगवान की ये मुक्त चर्चाएं हमें वाल्मीकि उत्तरकांड में भी मिलती है और रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी मिलती है। ऐसे ही चर्चा प्रसंग में एक दिन भगवान श्री राम स्वयं एक प्रश्न करते हैं और वो प्रश्न करते हैं महर्षि अगस्त्य मुनि से। ध्यान में रखिएगा, रामकथा के मुख्य वक्ता महर्षि अगस्त्य मुनि है, हनुमान कथा के मुख्य वक्ता महर्षि अगस्त्य मुनि है और हनुमान कथा के मुख्य श्रोता साक्षात भगवान श्री राम प्रभु है। भगवान रघुनंदन ने महर्षि अगस्त्य मुनि की ओर देख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहा, मुनीश्वर, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, बहुत दिनों से मैं चाहता रहा हूं कि इस जिज्ञासा को मैं पूर्ण करूं लेकिन कार्यवशात कर नहीं पाया। जिज्ञासा का समाधान करने वाला भी तो मिलना चाहिए। आज कुछ समय है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। भगवान श्री राम प्रभु के जीवन काल में तीन ऋषियों का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ मुनि है, उसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र है और जब भगवान दक्षिण की ओर चले तो महर्षि अगस्त्य मुनि है। हम लोगों को पता होना चाहिए भगवान श्री रामावतार लेकर के और जो कार्य करना चाह रहे थे उसकी पृष्ठभूमि महर्षि अगस्त्य मुनि ने तैयार की है। पंचवटी नासिक जिले में है, उससे सट करके ही नगर जिला है। प्रवरा के तट पर महर्षि अगस्त्य मुनि का आश्रम था जहां भगवान स्वयं उनके दर्शन के लिए गए थे। महर्षि अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को अपना शस्त्रागार भी दिखाया था। ध्यान में यह भी लेना चाहिए कि महर्षि अगस्त्य मुनि का एक आश्रम कावेरी नदी के तट पर ताल कावेरी स्थान पर रहा, आज भी है। प्रवरा के तट का उनका मंदिर भी आज है अकोला इस शहर में और ताल कावेरी का उनका आश्रम भी आज है जहां मेले लगते हैं। पता हम लोगों को यह भी होना चाहिए कि जिस बाण से रावण मारा गया वो बाण महर्षि अगस्त्य मुनि के द्वारा दिया गया था और रावण के पारिपत्य के दिन, उसके वध के दिन प्रातःकाल की बेला में महर्षि अगस्त्य मुनि भगवान श्री राम से मिलने के लिए आए थे। आदित्य हृदय स्तोत्र का उन्होंने उपदेश किया और उसके तीन पाठ करके जाओ, आज वो पापी बचने वाला नहीं, ये अगस्त्य मुनि ने पहले कहा था। राम कथा में उनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।
भगवान श्री राम जानते हैं। दक्षिण भारत की सारी जानकारी महर्षि अगस्त्य मुनि से, और इसीलिए वे महर्षि अगस्त्य मुनि की ओर देख करके प्रणाम करते हुए एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछने से पहले वे उसकी भूमिका बनाते हैं। अपृच्छत तदा रामो दक्षिणाशाश्रयम् मुनिम् प्राञ्जलिर्विनयोपेत इदमाह वचोर्थवत्। भगवान बोले, मुनीश्वर, यह बात सत्य है कि रावण अत्यंत बलवान था। यह भी बात सत्य है कि वाली अत्यंत बलवान था। लेकिन जो मेरा अनुमान है, रावण और वाली, इन दोनों से भी मेरा हनुमान अधिक बलवान है। हनुमान जैसा बल न रावण में है न वाली में था। न त्वेताभ्याम हनुमता समम त्वितिमतिर मम। इन दोनों का बल मिला करके भी हनुमान जितना बल नहीं होगा, इतना बल मेरे हनुमान जी में है। और अब देखिए भगवान वर्णन क्या करते हैं। हनुमान जी बलवान हैं, इस बात को तो प्रायः हम सब लोग जानते हैं, मानते भी हैं। लेकिन प्रभु ने आगे कहा, शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्राज्ञता नयसाधनम। मेरे हनुमान जी में केवल बल नहीं है, अत्यंत शूर है, दक्ष है, सर्वदा सावधान है। धैर्य है, कहां डट करके रुकना चाहिए ये उनको पता है। उनके जैसा कोई बुद्धिमान भी नहीं है। प्राज्ञता, बुद्धिमताम वरिष्ठम, ऐसा वर्णन हमारी परंपरा में भी किया गया। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, हनुमान जी महाराज समस्त ज्ञानियों के अग्रगण्य है, बुद्धिमानों में सबसे वरिष्ठ है। भगवान कहते प्राज्ञता। अनेक बार बुद्धिमान लोग झगड़ालू भी होते हैं। लोगों के झगड़े लगाने में और बढ़ाने में भी अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग सर्वदा लोगों में मेल जोल बढ़ाने के लिए किया, लोगों में संवाद स्थापित करने के लिए किया। प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च। ऐसा पराक्रम और इस प्रकार का प्रभाव, भगवान कहते हैं मैंने तो कहीं नहीं देखा। हनुमति कृतालया, मुझे तो ऐसा लगता है कि हनुमान इन सारे सद्गुणों की साकार मूर्ति है। ध्यान रखना, यह वर्णन भगवान श्री राम कर रहे हैं। और उसके पश्चात वे क्या कहते हैं, कैसा होगा वो प्रसंग। भगवान श्री राम कहते हैं, कैसा होगा वो प्रसंग। सागर के तट पर सारे के सारे वानर निराश होकर के दुख में डूबे हुए बैठे थे। सबके सामने प्रश्न था कि इन 100 योजनों के सागर को पार कौन करेगा। दृष्ट्वैव सागरं वीक्ष सीदन्तीं कपिवाहिनी।
उस समय मेरा हनुमान खड़ा हुआ, उसने कहा डरो मत, मैं जाऊंगा, इस काम को मैं करके आऊंगा। सारे वानरों की चेतना लुप्त हो रही थी, हनुमान ने उनको साहस बताया, केवल बोला नहीं, जाकर के दिखाया, 100 योजनों के सागर को एक छलांग में पार करना कोई सादी बात थी? केवल जाकर के नहीं आया, लंका के लोगों को सबक सिखा करके आया, दर्शयित्वा पुरीम लंकाम। अरे और तो और, अत्यंत सुरक्षित लंका के भीतर अति सुरक्षित रावण के अंतपुर तक जाकर के आया। भगवान श्री राम कहते हैं, दृष्ट्वा संभाषिता चापी सीता याश्वासिता तथा। भगवती सीता को केवल देख करके नहीं आया, उससे मिल करके, उससे बातचीत करके और उसका मनोबल बढ़ा करके आया। कितने लोगों के साथ अकेले ने युद्ध किया उस समय, लंका को तो इस प्रकार जला दिया कि लंका के निवासी कभी इतिहास में उस बात को भूल नहीं पाएंगे। लंका भस्मीकृता येन पावके नेव मेदिनी। भगवान श्री राम के शब्द सुनो, वे कहते हैं, गुरुदेव यमराज का भी वो पराक्रम नहीं हो सकता, न इंद्र का, न विष्णु का, न कुबेर का। इतना पराक्रम हनुमान में आ गया। बोलते बोलते भगवान भावुक हो गए। हनुमान नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि सीता कहां है। प्रवृत्तिमपि को वेत्तुम जानक्या शक्तिमान भवे। उसने लौट करके जब मुझे बताया तब मुझे पता चला सीता कैसे है। मैंने भगवती सीता को पुनः प्राप्त किया, शक्ति लगने के पश्चात भी लक्ष्मण को पुनः जीवित अवस्था में मैंने प्राप्त किया। सफल होकर के मैं स्वयं लंका से अयोध्या वापस पहुंच सका, यह सारा हनुमान के कारण हुआ। इतना बलवान, इतना बुद्धिमान, होने पर भी मेरे मन में प्रश्न ये उठता है इतने श्रेष्ठ हनुमान की संगति और सहयोग प्राप्त होने पर भी वाली के छोटे भाई सुग्रीव को मारा मारा क्यों भटकना पड़ा? कैसी अवस्था उस सुग्रीव की मैंने देखी थी, 5 वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत के ऊपर स्वयं को बचाते हुए डरा हुआ सुग्रीव मैंने देखा।
किसका डर था उसे? सबसे बलवान हनुमान जी उसके साथ में थे। आश्चर्य की बात यह है, ध्यान रखना, भगवान ये सब जब जिस समय बोल रहे हैं ना, हनुमान जी महाराज उनके चरणों में वहीं पर बैठे हुए हैं। बीच बीच में भगवान हनुमान जी की ओर देखते हैं, हनुमान जी भगवान की ओर नहीं देखते, हनुमान जी भगवान के चरणों की ओर देख रहे। मेरी आशंका को आप कृपा करके दूर कीजिएगा, ऐसा क्या हो गया था? वाली का पारिपत्य मैंने किया ये बात ठीक है, लेकिन ये काम करना हनुमान जी के लिए भी कठिन नहीं था। ऐसा क्या हो गया था आप कृपा करके बतलाइए, और आप कृपा करके मुझे ये भी बतलाइए कि इस हनुमान का जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, उसके मिलने के पश्चात के उनके चरित्रों को मैं जानता हूं, लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ मुझे पता नहीं है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरे लाडले हनुमान का चरित्र सुनाइए। ये प्रार्थना साक्षात भगवान श्री राम ने महर्षि अगस्त्य मुनि के समक्ष सबके सम्मुख और हनुमान जी की उपस्थिति में की है। जिस समय हनुमान जी के गुणों का ये गौरव भगवान कर रहे थे, वहां पर बैठे हुए सब लोगों का ध्यान हनुमान जी की ओर जा रहा था कि वाह, ऐसा तो प्रभु किसी के लिए कभी नहीं बोले। धन्य है हनुमान वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम हरियो रे तेरे मन बसियो रे, राम नाम हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान।
भगवान की जय। सारे के सारे लोगों के अंतकरण में हनुमान जी के प्रति अपार श्रद्धा का उदय हो गया। भगवान श्री राम सबके सम्मुख पूछ रहे हैं और हनुमान जी के गुणों का वर्णन भगवान सबके समक्ष कर रहे हैं। महर्षि अगस्त्य मुनि भी इन प्रश्नों को सुनकर के पुलकित हुए। हनुमत समक्षम तम, हनुमता समक्षम, हनुमान जी के सामने चला है सब। इदं वचनम अब्रवी, महर्षि अगस्त्य मुनि ने कहा, श्री राम आपने जो कही वह एक एक बात सत्य है। हनुमान जी के बल की तुलना संसार में किसी के भी बल के साथ नहीं की जा सकती। सत्यमेतत्र गुश्रेष्ठ यद्ब्रवीषि हनुमति, न बले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतौ परः। विशेष बात सुनिए, अगस्त्य मुनि ने कहा, बल में हनुमान जी जैसा कोई नहीं यह बात सत्य है, वेग में हनुमान जैसा कोई नहीं यह बात सत्य है, और बुद्धि में भी हनुमान जैसा कोई नहीं यह भी बात सत्य है। न गतौ न मतौ, मति क्या हो गया था जिस कारण हनुमान जी के रहते हुए भी सुग्रीव को इतने कष्टों को झेलना पड़ा, यह जानना चाहते हैं आप तो आइए। जिस अवस्था में जैसे हनुमान जी का जन्म हुआ उसको भी जरा देखें। और महर्षि अगस्त्य मुनि हनुमान जी के जन्म के लिए क्या क्या किया गया ये सारा बतलाते हुए उस इतिहास का वर्णन करते हैं। पुरा स्वर्ग महु परम अनुपा, पुंजिक स्थला नाम सुरूपा। राम सिय राम सिय राम जय जय राम, राम सिय राम सिय राम जय जय राम। पुरा स्वर्ग महु परम अनुपा, पुंजिक स्थला नाम सुरूपा। राम सिय राम राम। अत्यंत प्राचीन काल की बात है,
स्वर्ग में निवास करने वाली एक अप्सरा जिसका नाम था पुंजक स्थला, अब वह अप्सरा ही है। अप्सरा है इसका सीधा सीधा अर्थ, सजना धजना, लोगों को प्रभावित करना, नित्य मटकते रहना, यह इसका स्वभाव है। स्वभाव के साथ आपत्ति करने का कोई कारण नहीं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता होती है। महर्षि अगस्त्य मुनि कहते हैं श्री राम घटना इस प्रकार की घटी। एक बार उसने एक मुनि को देखा, भगवत चिंतन में लीन रहने वाले मुनि लोग अपने देह की ओर अधिक ध्यान दे सके यह सर्वदा संभव नहीं होता है। हम कुंभ के क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र में आपको सभी प्रकार के साधुओं का दर्शन प्राप्त करने की सबसे बड़ी सुविधा है, सबसे बड़ा अवसर है। कितने ही सच्चे साधु आपको ऐसे वितराग मिलेंगे। अब लोगों को जैसा उनका भाग्य होता है वैसे ही साधु मिलते हैं, जिसके भाग्य में जैसा होता। लेकिन एक बात पक्की है, कितने भी सोंग ढोंग कहीं पर भी होने दीजिएगा, यह हमारा भारतवर्ष सच्चे साधुओं से रहित कभी भी नहीं होगा। सच्चे साधु इस भारत में सर्वदा रहेंगे। जिनको केवल अपने अंतरात्मा का, परमात्मा का ही ध्यान है, भान है, शरीर एक साधन के रूप में संभाला जाता है उनके द्वारा, लेकिन देह को सजाना धजाना, उसी को सर्वस्व मानना, उसी के लिए सब कुछ करते रहना, ये उन महान साधुओं के लिए कैसे संभव हो सकता है। पुंजक स्थला अप्सरा ने एक मुनि को देखा। अब उसकी दाढ़ी जटा, वो कोई आधुनिक साधु तो था नहीं, व्यवस्थित कट करने वाला और पता नहीं क्या क्या उसमें प्रयोग करने वाला। आज भी आप ऐसे साधुओं को देखेंगे जो वास्तव में तपस्या में ही लीन है। मैंने अपने जीवन में ऐसे साधुओं के दर्शन किए, जिनका देह की ओर ध्यान नहीं, मैं कैसे दिखता हूं इसकी ओर ध्यान नहीं। दिखावटी भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे सच्चे भी आपको अवश्य मिलेंगे। अब वो मुनि अपना ईश्वर के चिंतन में मग्न है। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके सामने से जाती हुई उस अप्सरा ने, पुंजक स्थला ने अपना मुंह बनाया। अब मुंह कैसे बनाया जाता है आप लोगों को पता है, उसका उपहास करने के लिए मुंह बनाया और वो आगे चलने लगी। उस साधु ने कहा, रुको बेटी, मैं कुरूप हूं, ये देख करके तुमने मुंह बनाया है ना। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। बानरी का मुख तुम्हें कैसे लगता है,
बंदर का मुख कैसे लगता है? मैं तुम्हें शाप दे रहा हूं कि तुम्हें बंदर का मुख हो जाएगा, तुम वानरी होकर के जन्म लोगे। अब वो अप्सरा घबराए, महाराज करने लगी। मुनि ने कहा, मृत्युलोक में तुम्हारा जन्म होगा, एक वानरी के रूप में होगा, तुम्हें अपने सौंदर्य का अभिमान है, नहीं अभिमान उतरना चाहिए। एक झटके में ही उसका अभिमान उतर गया। मुझे किस्सा याद आ गया, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े महात्मा हुए पिछली सदी में, स्वामी समर्थ अक्कलकोट के उनका नाम। उनके जीवन में ठीक ऐसा ही प्रसंग घटा हुआ। केवल उपहास करने के कारण एक गणिका को उन्होंने सीधा कर दिया, ज्यादा समय नहीं लगा, एक घंटे में ही सीधी हो गई। शव प्रधानेशु तपोवनेशु गुणम ही दहात्मकमस्ति तेजः, तपस्वियों का तेज गूढ़ होता है, वो बाहर से दिखता नहीं है। उनके मन का संकल्प अपने जीवन का कुछ भी कर सकता है। अब ये घबराई, एक अप्सरा को एक वानरी होने का शाप मिला तो कैसे अच्छा लगेगा। चरणों में गिर करके रोने लगी, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। तब महात्मा ने कहा, देखो मेरे मुख से शब्द निकल गए तो वो सत्य तो हो नहीं है, वानरी का जन्म तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। बस एक बात है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार कभी कभी तुम वानरी का रूप ले सकोगी, नर का भी रूप ले सकोगी, मानवी स्त्री भी बन सकोगी, वानरी भी बनी रहोगी। ऐसा कुछ तो भी इलाज किए बिना जीव के अहंकार का विलय नहीं होता है। महात्माओं के शाप में भी अनुग्रह छिपा हुआ होता है। राजा इंद्रद्युम्न को महर्षि अगस्त्य मुनि ने शाप दिया था, गजेंद्र के रूप में हाथी की योनि में वह आया सही, लेकिन शाप अनुग्रह के रूप में कैसे बदल गया, उसको साक्षात भगवान श्री हरि के सगुण साकार दर्शन प्राप्त हुए। नारद जी के शाप से यही बात नलकुबर मणिग्रीव के लिए हो गई। मुनि ने शाप दिया पुंजक स्थला को, और उस शाप के अनुसार पुंजक स्थला का जन्म मृत्युलोक में मेरु पर्वत की तलहटी में निवास करने वाले वहां की वानरों की बस्ती के प्रमुख महाराज कुंजर की कन्या के रूप में हुआ। पाईकाल पुनि सो सुरवामा धारे जन्म अंजना नामा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पाईकाल पुनि सो सुरवामा धारे जन्म अंजना नामा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वानर पति कपि कुंजर नामा, गई सुता शुचि कुंजर धामा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वानर पति कपि कुंजर नामा, सुता शुचि कुंजर धामा।
सदगुण धामा पाई सुता अस कुंजर पायौ पर विश्राम राम सिय राम सिय राम जय जय राम राम सिय राम सिय राम जय जय राम अमित वीर भर वानर कपि कंचन गिरिवासी नाम के I must read the whole thing in English also. We have seen that Shri Hanumanji Maharaj is all the good qualities incarnate. And therefore Bhagavan Shri Ram asked Maharshi Agastya Muni, Hanuman being so strong, so wise, such a great scholar and such an effective personality, why Sugriva had to suffer so much? When Hanuman was with him, answering this question, Maharshi Agastya Muni is telling the reason why Sugriva had to suffer so much, though he had Hanuman with him. And for telling this, for explaining this, he is beginning at the beginning. And starting from the birth of Hanuman, he starts the story from the previous birth of Anjana Mata, who was staying in the heavens, and her name was Punjika Sthala. She was cursed by a muni, and therefore she got birth as a vanari. Now I must explain the word vanar and vanari. एक बात का ध्यान रखना सब लोग, जब जब हनुमान जी की गाथा देखते हैं अथवा वाल्मीकि रामायण का अथवा राम कथा का किष्किंधा कांड सुंदरकांड ये प्रसंग देखते हैं, उसमें आने वाला जो वानर शब्द है इसका सही सही अर्थ क्या है इसको हम समझें। आजकल हनुमान जी के बारे में बड़ी चर्चाएं चली है। हनुमान जी कौन है? ये किष्किंधा में निवास करने वाले सारे वानर कौन है? ये बंदर है क्या? बंदरों के समान इनके रूप है। ध्यान में ये लेना चाहिए कि ये बंदर नहीं है। फिर ये क्या मनुष्य है? ये मनुष्य भी नहीं है, ये नर भी नहीं और बंदर भी नहीं। ये एक अत्यंत अलग से प्रजाति है जो वानर कहलाती रही, और इस प्रजाति की विशेषता ये थी कि इस प्रजाति में कुछ गुण मानवीय गुण थे और कुछ बंदरों के भी लक्षण थे। मानवीय गुण और बंदरों के भी लक्षण, इनसे बनी हुई ये प्रजाति है, बिल्कुल हम लोगों से भिन्न है। ध्यान रखना चाहिए, जो संसार का इतिहास जानते हैं उनको पता है
कैसी अनेक प्रजातियां नष्ट हो गई। आज हम लोग डायनासोर का नाम सुनते हैं, ये डायनासोर था अत्यंत भयंकर विशाल, ये प्राणी इस भूमंडल पर था, उसके प्राचीन कंकाल उपलब्ध है। वैज्ञानिकों ने स्वयं उन कंकालों को जोड़ करके स्वयं ये डायनासोर कैसा होगा इसका ठीक से अनुमान किया है, पता लगाया है। उसके ऊपर फिल्म भी निकली, आप लोगों ने देखी होगी। केवल डायनासोर की बात नहीं, काल के प्रवाह में डायनासोर नष्ट हो गया, वह संपूर्ण जाति नष्ट हो गई। उसी प्रकार काल के प्रवाह में अनेक जातियां नष्ट हो गई, अनेक प्रजातियां, छोटे छोटे ग्रुप ये समाप्त हो गए। उन प्रजातियों में ये प्रजाति है वानर, जिनमें मानवों के गुण भी हैं और जिनमें कुछ बंदरों के लक्षण भी है। ये बंदर नहीं है, ये वानर है, वननर है, इसको समझो। इसके प्रमाण देखने पड़ेंगे, वाल्मीकि रामायण अथवा कोई भी राम कथा इसका पहला प्रमाण है। किष्किंधा नाम की नगरी इन लोगों ने बसाई है, उसमें अत्यंत अच्छे भवन हैं। ये सारे के सारे वानर वस्त्र धारण करने वाले हैं, ये बंदर नहीं है। दे आर वेल क्लैड पीपल, अच्छे वस्त्र धारण करते हैं। इतना ही नहीं, अच्छी भाषा बोलते हैं। हनुमान जी तो संस्कृत भाषा के उद्भट विद्वान हैं। अन्य भी वानर अपनी अपनी भाषा बड़ी अच्छी बोलते हैं। इतना ही नहीं, इनके रीति रिवाज बड़े ढंग के हैं। सुग्रीव का राज्याभिषेक मंत्रों से हुआ। वाली की अंत्येष्टि का वर्णन आता है रामकथा में। वाली का अंतिम संस्कार मंत्रों से हुआ है, इसको ध्यान लीजिए। वाली ने भगवान श्री राम के साथ बड़ी तर्कपूर्ण बहस की है। ये सारे लक्षण मनुष्यों के लक्षण हैं। बंदर कपड़े थोड़े धारण करते हैं, उस समय करते तो आज भी कर लेते। ये वानर वस्त्र भी नहीं है। ये सारे मानवीय उनके गुण हैं। बंदरों का एक लक्षण और उनमें है, इनके सबके पूंछ है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब वानर है, इसका अर्थ एक विशिष्ट प्रजाति की यह कहानी है। और यहां पर स्पष्ट बात, स्वयं मुनि ने शाप देते समय भी कहा कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम जब चाहो तो वानरी और जब चाहो तब मानुषी बनकर के विहार कर सकोगी। इस अप्सरा का जन्म नेहरू पर्वत की तलहटी में वहां के निवासी बांदरों के प्रमुख महाराज कुंजर के घर में हुआ और उनका नामकरण अंजना ऐसा हुआ। यह अंजना अत्यंत रूपवती है,
गुणों की खान है। इसके सारे लक्षण बड़े अद्भुत है। पिताजी को चिंता होना स्वाभाविक है, इसके लिए योग्य पति मुझे खोजने पड़ेंगे। पतिदेव की तलाश में महाराज कुंजर जब प्रयास कर रहे थे तो उनका ध्यान वानरों के दूसरे टुकड़ी के प्रमुख, दूसरे स्थान के प्रमुख महाराज केसरी की ओर गया और उन्होंने गुणवान शीलवान बलवान वानरराज केसरी को देख करके अपनी कन्या अंजना का विवाह केसरी जी के साथ संपन्न कर दिया, कन्यादान किया, अंजना केसरी का विवाह संपन्न हुआ, उनका गृहस्थाश्रम आरंभ हुआ। अंजना जैसी पत्नी पाकर के महाराज केसरी को भी बड़ा आनंद हो रहा था, केसरी जैसे पति को पाकर के अंजना प्रसन्न थी। सब सुख सुविधा सतत सदाही, दुख गजा सुनिकट नहीं जाही। राम सियाराम, सियाराम जय जय राम, राम सियाराम, सियाराम जय जय राम। देहि विधि अमित काल चली गयउ, एक ही चिंतत नय नहीं भयउ। राम सियाराम, राज केसरी और भगवती अंजना इन दोनों का गृहस्थाश्रम अत्यंत आनंद पूर्वक चला है। दोनों के अंतकरण में एक इच्छा है, पुत्र प्राप्ति के लिए हम लोगों को उत्तम तप करना चाहिए। पुत्र नहीं हुआ पुत्र होने के लिए तप करना चाहिए यह बात नहीं है, होने वाला पुत्र अत्यंत गुणवान होना चाहिए। उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए हम लोगों को अभी से कुछ अपने भीतर सद्गुणों को ढालना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, भगवान की कृपा को संपादित करना चाहिए। ऐसा सोच करके ये दोनों भी भगवान की सेवा में लगे हैं। महाराज केसरी को भगवान शिव जी का भजन बहुत अच्छा लगता है, व्यंतकरण से शिवोपासक है, और भगवती अंजना किस देवता की आराधना करूं ऐसा विचार करती हुई स्वयं